सो ये गाइस, यहां पर अगर आपके पास पोको M2 Pro का डिवाइस है तो गाइस यहां पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा पोको M2 Pro के लिए Android 11 अपडेट और MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट के बारे में। गाइस यहां पर काफी यूजर के कमेंट्स आ रहे थे MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट पोको M2 Pro में कब तक देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में बताओ। साथ ही यहां पर अगर मैं बात करूं Android 11 अपडेट को लेकर, तो काफी यूजर के ये भी कमेंट्स आ रहे थे पोको M2 Pro में Android 11 का अपडेट क्या हमें MIUI 12.5 से पहले देखने के लिए मिलेगा या फिर उसके साथ ही देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा तो कब तक मिल सकता है, तो उसी के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए अगर आपके पास पोको M2 Pro का डिवाइस है तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। अब यहां पर मैं बात करूंगा पोको M2 Pro के लिए सबसे पहले MIUI 12.5 अपडेट के बारे में। तो गाइस यहां पर अगर आप लोग पोको M2 Pro का डिवाइस है तो गाइस यहां पर अभी फिलहाल के लिए जो लिस्ट निकल के आई है ग्लोबल साइड में MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट की, उसमें पोको M2 Pro का नाम देखने के लिए नहीं मिलता है। उसमें काफी सारे पोको के डिवाइस मिसिंग है, नहीं देखने के लिए मिलता है किसी भी डिवाइस का नाम, सिर्फ पोको X3 पोको M2 Pro का नाम देखने के लिए मिलता है और वो भी फर्स्ट और सेकंड बैच के दौरान ही देखने के लिए मिलता है। तो उसमें अब गाइस यहां पर पोको M2 Pro का नाम नहीं, इसका मतलब गाइस यहां पर यानी कि ये बात क्लियर हो जाती है कि पोको M2 Pro के लिए मई या जून के बाद ही MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। यहां पर स्टेबल अपडेट कैसे देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस यहां पर ये जो लिस्ट निकल के आई फिलहाल के लिए स्टेबल अपडेट की ग्लोबल साइड के लिए, अगर इंडिया के लिए अलग से लिस्ट निकल के आती है तो यहां पर आपको ये फर्स्ट या सेकंड बैच में भी आपके डिवाइस का नाम देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि गाइस यहां पर मई या जून में आपके डिवाइस के लिए स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है अगर इंडिया के लिए अलग से लिस्ट निकल के आती है तो, वरना गाइस यहां पर ये अपडेट ग्लोबल के हिसाब से आपको मई या जून के बाद ही देखने के लिए मिलेगा। यहां पर फिलहाल के लिए बेटा टेस्टिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है यहां पर इंडिया के लिए, तो यहां पर अगर आप लोगों ने उसको अप्लाई नहीं किया तो उसको अप्लाई कर लेना कि आप लोगों को सबसे पहले MIUI 12.5 का स्टेबल और बेटा अपडेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया, आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख सकते हो। तो यहां पर MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट के लिए अभी आप लोगों को और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Android 11 अपडेट के बारे में, तो गाइस यहां पर Android 11 अपडेट आपको MIUI 12.5 स्टेबल अपडेट से पहले ही देखने के लिए मिलेगा। जी हां गाइस, यहां पर Android 11 का अपडेट MIUI 12.5 के साथ नहीं मिलेगा, उससे पहले ही देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि गाइस यहां पर Poco M2 Pro के लिए अगर मैं बात करूं Android 11 की स्टेबल की टेस्टिंग चल रही है और गाइज यहाँ पर ये जो अपडेट है कभी भी कंप्लीट हो सकता है, मतलब इसकी जो टेस्टिंग है कभी भी कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पर ये रिलीज कब तक हो सकता है आप लोग के डिवाइस के लिए, तो फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ मार्च एंड होने वाला है, अप्रैल के एंड तक आप लोग वेट करना है गाइज। यहाँ पर अप्रैल के एंड तक कुछ यूजर को पोको M2 Pro में Android 11 का स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल के लिए स्टेबल की ही टेस्टिंग चल रही है। अभी यहाँ पर ये कब कंप्लीट हो गई, कब ये लोग रिलीज करेंगे, सब कुछ Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर वो लोग का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी अपडेट किसी को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग के लिए Android 11 का स्टेबल अपडेट अप्रैल एंड तक वेट करो, अगर अप्रैल एंड तक कुछ चीज़ों का अपडेट मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपके पोको M2 Pro का डिवाइस है तो यार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लेना, ताकि आप लोगों को जैसे अपडेट आएगा आप लोगों को पता चल जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, नीचे एक लाल बटन फ्री में होता है सब्सक्राइब, उसको प्रेस कर दो और कुछ भी नहीं करना। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।